हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अक्षय एंड आज मैं बना रहा हूँ ऋतिक रोशन की ड्राइंग। एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आर्टो के पेपर पे ड्राइंग बना के दिखाऊंगा एंड कैसा है मैं आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पेपर कैसा है एंड थोड़ा एक्सपेंसिव पेपर है। सो इसलिए मैंने ग्रिड लाइन्स बना के रखा है ताकि पेपर वेस्ट ना हो जाए। सो सबसे पहले आई से स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूँ। एंड पेपर अपने प्राइस के हिसाब से इतना भी खास नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। एंड आप किसी भी पेपर पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव पेपर ही चाहिए। सिर्फ ये उसी चीज़ में काम आएगा कि लॉन्ग टाइम तक के ख़राब नहीं होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि एसिड फ्री पेपर है। एंड बाकी कुछ ड्राइंग में तो मुझे फ़र्क नहीं दिख रहा है। मेरे पास जो बाकी पेपर भी है उसमें भी एसिड ड्रॉ होता है, तो आगे देखते हैं और कैसा ड्रॉ हो पाता है। अभी तो मैं आई बना रहा हूँ। एंड ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंड करते टाइम काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है। एंड आप इस पर लाइट पेंसिल का यूज़ करोगे तो डार्क ही दिखेगी। सो जितना हो सके लाइट पेंसिल का यूज़ करना क्योंकि थोड़ा रफ़ पेपर है। ये फ्रंट साइड से बहुत ही रफ़ था एंड बैक साइड से थोड़ा कम रफ़ था। सो मैं बैक साइड से बना रहा हूँ। एंड अगर आप मतलब स्मूथ ब्लेंडिंग भी करते हो तो थोड़ा आप देखने में रफ़ ही लगेगा क्योंकि पेपर रफ़ है टेक्सचर के हिसाब से, लेकिन ब्लेंडिंग अच्छे से हो पा रही है। एक आई ड्रॉ हो चुका है एंड देख सकते हो मैंने ब्रश से ब्लेंड किया है तो आसपास ठीक ठाक ब्लेंडिंग हुई है। अब मैं नोज़ का एरिया बना रहा हूँ। एक चीज़ मैंने देखा है कि ब्रश का भी यूज़ करोगे तो अच्छे से ब्लेंडिंग होती है रफ़ पेपर पे। उसमें टेक्सचर होने के कारण ग्रेफाइट अच्छे से चला जाता है एंड अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो अब मैं बना रहा हूँ नोज़ की आउटलाइन। एंड ऐसे मैंने पहले भी कहा है अपने वीडियोज़ में कि ऐसे लाइन लाइन नहीं दिखनी चाहिए। सब यहाँ पर अच्छे से शेडिंग करेंगे, उसके बाद ब्लेंड करेंगे ताकि वो लाइन जो है वो अच्छे से छुप जाए एंड 3D लुक आए। सो अभी यहाँ पे मैं शेडिंग ही कर रहा हूँ। एंड अभी थोड़ा मैंने ब्रश का यूज़ किया एंड अब ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो लाइन थी वो छुप गई है एंड थोड़ा उभरा हुआ लुक आ रहा है, थोड़ा 3D सा। नोज़ में बचे हुए एरिया में भी ब्लेंड कर लेते हैं शेडिंग करके। काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग हो रहा है। देख सकते हो अच्छे से नोज़ उभर के आ रहा है। एंड अभी तक के रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो पेपर काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि एक्सपेंसिव पेपर पे ही ड्रॉ करो, आप नॉर्मल चीप पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो एंड ऐसे ही ड्रॉ होता है, मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा है। आने वाले टाइम में मैं और अदर ब्रांड्स को भी यूज़ करूँगा एंड बताऊँगा कि कैसा है वो। सो अभी देखा आपने कि मैंने पूरा ब्लेंड किया है फेस पे ब्रश का यूज़ करके, तो ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से हो पा रही है इस पर। नोज़ के साइड से भी जहाँ पे चीक रहती है वहाँ पे भी देख रहे हो अच्छे से ब्लेंड हो पाया है एंड 3D लुक आ रहा है वहाँ पे भी। एंड अब दूसरी आई बना लेते हैं। इस वीडियो में मैं आधा ही ड्रॉ करूँगा एंड नेक्स्ट वीडियो में पूरा ड्राइंग दिखाऊँगा। ये वीडियो जस्ट मैं पेपर के बारे में बताने के लिए बनाया था एंड पेपर काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप चीप पेपर पर भी ऐसे रिजल्ट ला सकते हो। बस ये एसिड फ्री है एंड लॉन्ग टाइम तक के चलेगा। अभी मैंने जस्ट सिंपल ड्राइंग बनाई है इस पेपर पे एंड आने वाले दिन में मैं कुछ ज़्यादा डेप्थ वाली ड्राइंग बनाऊंगा एंड देखूंगा कि उसमें कैसा रिजल्ट आता है। सो पेपर की बात हो गई, अब ड्राइंग पे फोकस करते हैं एंड आगे बनाते हैं ड्राइंग। तो दूसरी आई भी लगभग ड्रॉ हो चुकी है।
आईब्रो बना देते हैं। तो मैं फेस की आउटलाइन बना रहा हूँ। एंड अब इसमें भी सेट करके ब्लेंड कर देते हैं। तो देख सकते हो ब्लेंडिंग कितनी अच्छे से हुई फेस पे। लेकिन मैं हमेशा कॉर्नर के लिए या फिर एजेस के लिए कह सकते हो मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर सक ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करता हूँ। तो इसकी टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आ पा रहा है इस पेपर पे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कुछ ना कुछ कमेंट करना। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।